जिस्म की लत मूवी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। एक्टर्स सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अब मुंबई में भी दोनों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि एक टीवी शो में दोनों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इससे पहले 22 दिसंबर को सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। फिल्म रिलीज के साथ ही उनका विरोध भी शुरू हो गया और कई सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की गई। दबंग खान के खिलाफ दिल्ली के गांधी नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी। इस बीच मामले में राष्ट्रीय आयोग ने 7 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा है। टीवी शो में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ शिकायत पर राष्ट्रीय आयोग ने 7 दिन के भीतर दिल्ली और मुंबई पुलिस आयुक्त से इस मामले में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि एक निजी चैनल में दिए इंटरव्यू में सलमान खान ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर देश भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।